दोस्तों, सीने में जलन की प्रॉब्लम एक आम समस्या है। गर्मी के मौसम में यह समस्या तला भुना खाने की वजह से हो जाती है। ज्यादातर इस समस्या को लोग सुबह नाश्ते के बाद या फिर रात को सोने के वक्त फील करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह नाश्ते या डिनर में ऐसा कुछ खा चुके होते हैं जिसे शरीर को पचाने में मुश्किल हो रही होती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीने की जलन से बचने के लिए आपको किन किन चीजों को खाने से परहेज करना चाहिए। जैसे नंबर एक, तली भुनी चीजें। हर रोज तले भुने पराठे खाना सीने में जलन के साथ साथ अन्य कई बीमारियों को बुलावा देते हैं। पराठों और अन्य तले भुने भोजन को पचाने के लिए पेट को पचाने में काफी समय लग जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि सुबह नाश्ते में आप फ्रूट्स का सेवन करें। फ्रूट्स के अलावा आप ओट्स या फिर हल्के फुल्के मीठे दलिये का भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें, दलिये में मीठा एक चम्मच से ज्यादा न हो, क्योंकि मीठे के अधिक सेवन से भी सीने में जलन की प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। नंबर दो, सुबह सुबह संतरे का जूस। सुबह सुबह उठकर जूस पीना सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन विटामिन सी से युक्त फ्रूट का जूस पीने से सीने में जलन की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल संतरा एक एसिडिक फ्रूट है, इसीलिए इसका सेवन करने से सीने में जलन होना लाजमी है। संतरे का जूस आप नाश्ते के 2 घंटे बाद ले सकते हैं। नंबर तीन, डेयरी उत्पाद। अगर आपको सीने में जलन की समस्या हमेशा रहती है तो अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थ और डेयरी उत्पाद वाले भोजन से दूर रहें। तला हुआ, अधिक चर्बीदार और प्रोसेस्ड फूड में भरपूर मात्रा में वसा होती है, जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होती है। आप फैट बढ़ाने वाले जितने पदार्थों का सेवन करेंगे, आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। बाजारी मक्खन, चीज, ब्रेड से भी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। नंबर चार, मसालेदार भोजन। गर्मियों में जब भी बाहर कहीं खाना खाने के लिए जाएं, तो अधिक मसाले वाला भोजन का सेवन करने से बचें। ज्यादा मिर्च मसाले वाली चीजें खाने से भी सीने में जलन हो सकती है। मसालेदार भोजन अधिक वसा वाले खाद्य पदार्थों की तरह होते हैं, जो एसिडिटी की समस्या को बढ़ा देते हैं। इसीलिए अपने आहार में मिर्च और मिर्च पाउडर को शामिल न करें। घर पर भी खाना बनाते वक्त आप मिर्च की जगह दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और समुद्री नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि रात के वक्त तो बिल्कुल भी तेज मसालेदार भोजन का सेवन नहीं किया जाए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही नई नई वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।